नमस्कार। एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, अध्याय 3, 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था, जिसने आदतें बनने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपकरण करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था, जिसे दबाने पर वह बॉक्स को द्वार खोल देता था। एक बार दरवाजा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वे किनारों पर अपनी नाक डालती, पंजे से खुरचती या नोचकर खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाजा खोलकर बाहर निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहाँ वहाँ ऐसे ही निरुद्देश घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाजा खुला, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यह लिखा, बारहवीं बिल्ली ने इसे करने के लिए उनका समय लिया 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6 और 7। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग गई। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6.3 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज़्यादा स्वचालित हो गई। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया, जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं। आदतें क्या है, क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है। एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है।